दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। क्या जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं पांच राज्यों में, वैसे वैसे किसान आंदोलन के मोर्चे पर कुछ नई पॉलिटिक्स हो रही है, क्या कुछ नया खेल खेला जा रहा है? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां पर जो धरना किसानों का चल रहा है, वो टिकैत साहब की यानी राकेश टिकैत उनकी अगुवाई में अब तक चलता आ रहा था। लेकिन राकेश टिकैत जब चुनाव के मसले पर किसानों की जो एक गोलबंदी है, जो किसान आंदोलन के नेता जो चुनाव क्षेत्रों में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दीजिए, आप चाहे जिसको वोट दीजिए, किसान आंदोलन के नेता ये नहीं कहेंगे कि आप किसको दीजिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दीजिए, ये बार बार वो कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें राकेश टिकैत भी शामिल है। आज हुआ ये कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां पर राकेश टिकैत की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, जो आंदोलन से काफी पहले ही अलग हो चुके थे एक जमाने में, और आपको याद होगा ये मैं बात कर रहा हूं करीब करीब दो महीने पहले वो अलग हो चुके थे और वो गांव में चले गए थे, लेकिन बाद में जब नरेश राकेश टिकैत के साथ गिरफ्तारी का जो मंजर सामने आया, जब वो रोक करके बोलने लगे कि हम यहाँ पर मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, उसके बाद नरेश टिकैत फिर से इन्वॉल्व हो गए और वो नरेश टिकैत आज अचानक गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और उन्होंने किसान पंचायत यहाँ किया है और उनकी जो किसान महापंचायत है उसमें काफी लोग शरीक हुए। आज काफी लंबे अरसे बाद गाजीपुर का ये जो बॉर्डर है, जो धरना स्थल है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जो वहां पर जो दलबंदी देखी गई वो बड़े पैमाने पर देखी गई। लेकिन नरेश टिकैत ने दो बातें कही बड़ी दिलचस्प। एक तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया अखबार वालों से, टेलीविजन वालों से, कि सतपाल मलिक जो मेघालय के गवर्नर हैं और गवर्नर बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो मध्यस्थता कराने को तैयार हैं किसान आंदोलनकारियों और सरकार के बीच। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि किसान आंदोलन के को लेकर सरकार को फैसला करना चाहिए, किसानों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए घर, ये बात कही। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिनको यहां कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जिसमें उन्होंने मध्यस्थता की ख्वाहिश जो अपनी दर्ज कराई मीडिया के जरिए। अब सवाल इस बात का है कि एक राज्यपाल, उसको क्या ऐसी परवाह है, क्या ऐसी उसको परेशानी है कि वो राजनीतिक मसलों पर सीधे बयान देने लगा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर। तो माना यह गया कि केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उससे कोई संकेत जरूर मिला है गवर्नर साहब को यानी सतपाल मलिक साहब को, कि वो अपने समुदाय या अपने इलाके के किसान नेताओं के बीच थोड़ी गुडविल बनाए सरकार के लिए और इस मामले को रफा दफा कराया जाए, ताकि जो किसान आंदोलन के नेता चुनाव क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जिनका असर भी पड़ रहा है खासकर किसानों पर और यहां तक कि मध्य वर्ग के लोगों पर भी, उससे कैसे निजात पाई जाए, एक ये अंदाज लोग लगा रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि सतपाल मलिक साहब इस सरकार के कहने पर ऐसा किए या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार, क्यों? क्योंकि उनका जो गवर्नरी का कार्यकाल है वो अगले साल खत्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में वो कार्यकाल उनका खत्म हो जाएगा, इस बीच वो कई राज्यों के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, तो हो ना हो कहीं ना कहीं वो कुछ इस सरकार से और चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते तो उनको लगता है कि अगर नहीं अगर बनाया गया उनको कुछ आगे 2022 में, तो वो कम से कम किसान आंदोलन के एक सहानुभूति दर्ज करने वाले एक नेता के रूप में माने जाएंगे, और खासकर जो किसान हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो उनकी बिरादरी उनके समुदाय के भी काफी उसमें लोग हैं, तो उनमें वो जाएंगे और अपनी बात भविष्य में कह सकेंगे या अपने लिए एक जगह बना सकेंगे।
दोस्तों याद रखने की बात है कि मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से एक जमाने में सतपाल मलिक ने टिकट भी चाहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनजान से एक व्यक्ति संजीव बालियान को दे दिया टिकट और वो बड़े नेता बन गए। और इसलिए कि उन्होंने मुजफ्फरनगर का आप मामला जानते हैं, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें संजीव बालियान ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस या बीएसपी के नेताओं को काफी खुश किया था और इसलिए उनको ये अवार्ड मिला, ये पुरस्कार मिल गया कि उनको टिकट मिला। तो सतपाल मलिक कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी बीजेपी की नजर में उतने बड़े नेता नहीं है जितने बड़े नेता आज की युवा पीढ़ी के लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से फायदेमंद है। तो दोस्तों ऐसे में जो राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आज कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक बड़े अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे नेता है, वो मध्यस्थता अगर करने को तैयार है तो हम उनके लिए तैयार है। यही नहीं, उन्होंने एक बात और कर दी कि राजनाथ सिंह बहुत अच्छे नेता हैं और वो भी अगर मध्यस्थता कराते हैं तो हम तैयार हैं। तो ये दो बातें कही गई किसान आंदोलन की महापंचायत में, ये पहली दफा है जबकि उन्होंने बीजेपी के दो बड़े नेताओं की मध्यस्थता की बात की है। और वो भी याद रखने की बात है कि संयुक्त किसान जो मोर्चा जो समिति है जो इस आंदोलन का नेतृत्व करती है, जिसका सदर मुकाम एक तरह से माना जाता है सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर का, और यहाँ के सबसे अधिक किसान संगठन वहीं पर इन्वॉल्व हैं, उनकी इसमें कोई रजामंदी नहीं है या इस तरह की बात उन्होंने कभी नहीं कही है। तो क्या हम माने कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं उनको किसान के बजाय एक समुदाय विशेष, एक क्षेत्र विशेष से एक तरह से आइडेंटिफाई करके भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन में एक डिवाइड करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बीजेपी और मौजूदा केंद्र सरकार के बारे में माना जाता है कि इस ये डिवाइड और रूल करने को जो टैक्टिक्स है उसमें बहुत उस्ताद है। ये क्षेत्र को क्षेत्र से और समाज को समाज से, बिरादरियों को बिरादरियों से और आदमी को आदमी से बांट देते हैं, मजहब को मजहब से बांट देते हैं। ये आमतौर पे इस पार्टी के बारे में, इस सत्ता चलाने वालों के बारे में ये बहुत पुरानी बात है जो पिछले 6-7 साल से कही जा रही है। तो क्या ये भी एक डिवाइड करने की एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है जो एडॉप्ट की जा रही है और जिसका न जाने क्या नतीजा निकलेगा? तो दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में और खासकर बंगाल और असम के चुनाव में किसानों की नाराजगी और किसान आंदोलनकारी जो नेता गए हैं उनके कैंपेन का क्या इसे असर माना जाए या ये महज सतपाल मलिक या नरेश टिकैत की आपसी राजनीति का कोई दूसरा एक खेल खेला जा रहा है जिसका न जाने नतीजा आगे क्या निकलेगा। एक तो ये बात बहुत मुझे महत्वपूर्ण आज लगी तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। और दूसरी बात दोस्तों कि जब मौजूदा सरकार बैंकों को, बीमा कंपनियों को, जो सरकारी कंपनियां हैं, सड़क को भी नहीं छोड़ रही है बेचने से, स्टेडियम को नहीं छोड़ रही है, रोड्स को नहीं छोड़ रही है, टावर्स को नहीं छोड़ रही है जो अपने कम्युनिकेशन टावर्स हैं, बिजली के ट्रांसमिशन का जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसको नहीं छोड़ रही है, 2.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए मौजूदा सरकार चाहती है कि जितने एसेट्स और बचे हैं सब बेच दिया जाए, तो ऐसे में ये देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या किसानों की नाराजगी की वाकई सरकार को परवाह है या उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसके जरिए, कारपोरेट के बड़े समर्थन के जरिए वो जितना भी विरोध होगा उसको झेल जाएगी और चुनाव जीतने की जो उसकी मशीनरी है वो कारगर होगी, कामयाब होगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जो एक सोच है क्या इस ओर उसका रुझान है या वाकई वो अंदर से डरी हुई है कि किसान आंदोलनकारियों के प्रभाव में आकर के कहीं जनता उससे नाराज होकर मतदान में उसके खिलाफ न चली जाए, इसलिए चुनाव से पहले कोई निगोशिएट किया जाए, मध्यस्थता कराई जाए और कुछ न कुछ लोगों को तोड़ा जाए। तो ये एक पहलू है जिसका क्या नतीजा निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर वॉच करने की, इसको देखने की, इसको इंतजार करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आज मैं बस इतना ही आपके सामने रखना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
you